Good morning, student. In previous class, we will discuss how uh, what is an MS Office Excel, Microsoft Excel. What is a workbook, worksheet? Now, what is a component of Excel screen like title bar, ribbon, command button, cell pointer, name box, and formula bar? Now, today we will discuss various types of data. Okay, you can enter various types of data in a worksheet. We will uh, be learning about the text and numeric data. Okay. हम हमारे जो डेटा है उसमें हम टेक्स डेटा भी इंक्लूड कर सकते हैं ना न्यूमेरिक डेटा भी इंक्लूड कर सकते हैं ना व्हाट इज़ अ टेक्स डेटा द टेक्स डेटा कैन बी कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स स्पेसेस नंबर्स फॉर एग्जांपल सनी वन वन टू सेक्टर टेन एक्सेट्रा ओके ये हमारा टैक्स डेटा हुआ जिसमें स्टूडेंट पर्टिकुलर नेम कस एंड uh, उसका एड्रेस भी हम इंक्लूड कर, like uh, no? uh, so कर सकते हैं दिस इज़ टेक्स्ट डेटा एंड व्हाट इज़ अमेरिक डेटा न्यूमेरिक डेटा इंक्लूड नंबर जीरो टू नाइन कैरेक्टर्स लाइक स्पेशल सिम्बॉल्स है ना न्यूमेरिक डेटा क्या होता है न्यूमेरिक डेटा में हम जिसमें नंबर्स एंटर कर सकते हैं एज वेल एज स्पेशल कैरेक्टर ओके ना एंटरिंग डेटा इन अ वर्कशीट हम डेटा कैसे एंटर करेंगे वर्कशीट में टू एंटर द डेटा इन अ सेल डू द फॉलोइंग स्टेप्स क्या क्या हमें स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा टू एंटर डेटा इन अ वर्कशीट मेक द सेल एक्टिव बाय क्लिकिंग ऑन इट सबसे पहले हमें उसे क्लिक करना पड़ेगा ना द टाइप ऑफ द डेटा इन अ सेल आप जहाँ पर भी डेटा को टाइप करना है वहाँ पर उस सेल में आप उसे टाइप कर सकते हैं नाव वाइल एंटरिंग द डेटा यू कैन नोट इज द एंटर राइट मार्क एंड कैंसल इज क्रॉस बटन जैसे ही आप डेटा एंटर करेंगे वहाँ पर वो दो ऑप्शन बताएगा राइट एंड क्रॉस ऑप्शन नो क्लिक ऑन राइट देन एक्सेप्ट द डेटा एंड क्रॉस बटन टू रिजेक्ट द डेटा ओके नो सिलेक्टिंग डेटा इन अ वर्कशीट हम हम डेटा कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं अपने वर्कशीट में इफ़ यू वांट टू परफॉर्म सम ऑपरेशन कलेक्ट कलेक्टिवलीफर ऑन अ रेंज ऑफ सेल लाइक कॉपिंग चेंजिंग फॉन्ट और डिलेक्टिंग एक्सेट्रा ठीक है हमारे डेटा हमें को सिलेक्ट भी कर सकते हैं एंड कॉपिंग भी कर सकते हैं यू नीड टू सिलेक्ट द पर्टिकुलर रेंज ऑफ द सेल फॉलोइंग द स्टेप्स क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे टू सेलेक्ट डेटा इन अ वर्कशीट क्लिक ऑन द माउस पॉइंटर इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑन द रेंज एंड ड्रैग द माउस टू रीच द लोअर राइट कॉर्नर ठीक है हमें जहाँ से भी ड्रैग करना है हमारे माउस पॉइंटर को लेके जाएंगे और जिस रो तक हमें उसे सिलेक्ट करना है उस रेंज तक हम उसे ड्रैग करेंगे नाउ क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल ऑन द रेंज फर्स्ट सेल की फर्स्ट रेंज पे जाएंगे एंड शिफ्ट की टू द लास्ट सेल ठीक है शिफ्ट की से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं नो वॉट इज द कॉपिंग एंड मूविंग ऑफ डेटा लर्न हाउ टू कॉपी एंड मूव डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनादर कॉपिंग ऑफ डेटा मीन्स दैट द डेटा विल रिमेन द ओरिजिनल लोकेशन बट विल बी कॉपी टू द सेकेंड लोकेशन ऑल्सो ठीक है कॉपी डेटा में क्या रहेगा जहाँ पर हमारा डेटा है वहाँ पर तो रहेगा एज वेल एज हम जहाँ पर भी उसे पेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पर भी उसे ले जाना चाहते हैं वहाँ पर भी रहेगा ओके okay? Follow the steps given to copy the data from one location to the another location. Uh, select the range of the cell which you want to copy, click on the home tab, click on the copy button and click on the paste button. ठीक है हम क्या करेंगे हमारे रेंज जो हम पहले हमें जो भी डेटा हमें कॉपी करना है वहाँ से हम उसको सिलेक्ट करेंगे देन होम टेप पे जाएंगे देन कॉपी बटन पे जाएंगे एंड देन पेस्ट ऑप्शन पे सपोज आप अदर शीट में उसे पेस्ट करना चाहते हैं तो अदर शीट पे जाके उसे पेस्ट कर देंगे क्लिक इन द सेल वेर यू वॉन्ट टू द फर्स्ट एंटर टू द सिलेक्टेड डेटा टू बी प्लेस्ड ओके हमारा जो डेटा है हमने जो भी डेटा प्लेस किया था वो दूसरे डेटा पर भी एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा है ना मूविंग द डेटा मूविंग ऑफ डेटा मीन्स द डेटा विल बी मूव फ्राम वन लोकेशन टू द सेम अदर लोकेशन ठीक है हम हमारे डेटा को मूव भी कर सकते हैं पर्टिकुलर एक जगह से हम दूसरे जगह पर उसे मूव भी कर सकते हैं नाओ क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे टू मूव द डेटा फ्राम वन लोकेशन टू द अनदर लोकेशन सेलेक्ट द रेंज ऑफ द सेल हेयर दिख रहा है आपको ये जैसे ये सेल है ए वन टू ए फाइव ये मेरा सेल का रेंज हुआ दैन क्लिक ऑन द होम टैब होम टैब पे जाएंगे दैन क्लिक ऑन द क्रॉस बटन देन द सिलेक्टेड डेटा विल बी मूव इन द न्यू लोकेशन न्यू लोकेशन पे आ जाएगा क्लिक ऑन द सेल वैर यू वॉन्ट टू फर्स्ट एंटर टू सिलेक्टेड डेटा टू बी प्लेस एंड क्लिक ऑन द पेस्ट बटन ठीक है हम वहाँ से उसे कट करेंगे सपोज मैं ए पे यहाँ पे डेटा लिखा हुआ था नेम्स लिखे हुए थे तो मैंने क्या करा उसे सिलेक्ट करा क्रॉस बटन पे किया एंड मुझे जहाँ पे सपोज डी कॉलम में मुझे उसे पेस्ट करना है तो मैंने वहाँ जाकर उसे इज इट इज पेस्ट कर दिया मूव कर दिया हमारा डेटा ओके नाओ यूजिंग ऑटोसम वॉट इज अटोसम ऑटोसम ऑप्शन प्रोवाइड एन ईजी एंड क्विक मैथड टू कैलकुलेट समलेक्टेड रेंज ऑफ द डेटा ठीक है हम ऑटोसम्स भी कर सकते हैं यूनिट टू एंटर फॉर्मूला टू फाइंडिंग द सम ठीक है जिससे यहाँ पर नेम लिखे हुए हैं एंड स्कोर लिखा हुआ है अब मुझे क्या करना है स्कोर को एड करना है नाओ क्लिक ऑन द एम टी सेल आफ्टर द लास्ट एंट्री ऑफ द रेंज सेल ठीक है हम एम टी सेल पर ले जाएंगे जहाँ पर भी हमें हमारा आउटपुट लेना है नाउ क्लिक ऑन द होम टैब होम टैब पे जाएंगे क्लिक ऑन द सम ऑप्शन ठीक है सम्स पे जाएंगे नाउ द फॉर्मूला फॉर द सेम ऑफ रेंज नंबर एबो इट विल बी अपीयर ठीक है हम जैसे ही सम पे क्लिक करेंगे यहाँ पर इक्वल टू लिख दिया जाएगा सम एंड रेंज आ जाएगा ठीक है तो इससे हमारा ऑटो सम फॉर्मूला एड हो जाएगा नाओ वॉट इज द सॉर्टिंग ऑफ डेटा यूजिंग द सॉट ऑप्शन डेटा यू कैन अरेंज ऑन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स ठीक है जैसे आप मैथ्स में करते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग वैसे ही हम हम एक्सेल में भी सॉर्टिंग ऑफ डेटा कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ओके सॉर्टिंग ऑफ डेटा इज कॉमन रिक्वायरमेंट फाइल मेकिंग रिजल्ट अरेंजिंग नेम अल्फाबेटिकल एंड अदर रिक्वायरमेंट ठीक है नो न फलसट डेटा टू सॉर्ट सबसे पहले हम उसे सिलेक्ट करेंगे देन क्लिक ऑन द होम टैप बटन होम टैब पे जाएंगे सिलेक्ट द रिक्वायर्ड सॉर्ट ऑप्शन द डेटा विल बी सॉर्टेड इन अ स्पेसिफाइड ठीक है जैसे यहाँ पे आपको करना है स्पॉट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वो डेटा यहाँ पर सॉर्ट हो जाएगा ओके